guys, welcome to our channel Ankylosing Spondylitis. बहुत दिन के बाद वीडियो अपडेट कर रहा हूँ मैं. इसका मकसद ये है कि बहुत दिनों से मैं तो ट्राई कर रहा था बहुत सारी दवाएँ पेन रिलीफ और स्टिफनेस की वजह से बहुत परेशान था. बीच में मैं आपको बताया था कि जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आएगा मैं अपडेट करता रहूँगा. अभी हाल फिलहाल में ग्रुप में एक बच्चे हैं, उन्होंने अपडेट किया था कि उन्होंने एक जगह से बहुत फुल्ली क्योर किया है मेडिसिन के ज़रिए. वो है होम्योपैथी मेडिसिन. डॉक्टर अबुल फैजल कर एक डॉक्टर है, इन्होंने क्योर किया है उस बच्चे का. वो बच्चे अभी सऊदी अरब में काम कर रहे हैं. मैं नाम नहीं बता सकूँगा उस बच्चे का, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ, उससे आप पूछ सकते हैं. जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो जो दवाएं मुझे सूटेबल होती है वो मैं अपडेट कर देता हूँ. उसका वजह ये है कि बहुत सारे दवा का जो साइड इफ़ेक्ट है और परेशानी है वो खुद मैं झेल लेता हूँ, उसके बाद ही मैं अपडेट करता हूँ. क्योंकि और भाई जो बेचारे लोग दवा खा करके परेशान है, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी और खतरी पड़े. अभी लेटेस्ट ट्रेंड में ग्रुप में जो चल रहा है हम लोगों का वो है डॉक्टर अबुल फैजल का ट्रीटमेंट. नब्स देखकर वो इलाज कर रहे हैं और दो तीन बच्चे गए हैं वहाँ पर, तो अभी तक तो वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट मिला है. आगरा में और लखनऊ जो यूपी में रहते हैं उसके लिए बहुत आरामदायक होगा, क्योंकि वहाँ पर वो देख रहे हैं. और वेरी ऑनर टू गिव योर न्यू एड्रेस ऑफ अबुल फैजल. व्हाट्सएप में इफ यू वांट एनी टाइप ऑफ हेल्प फ्रॉम दैट प्रोस्पेक्ट आई विल गिव यू एन एड्रेस एंड गाइड यू थ्रू मेडिसिन एंड टाइम ऑफ शेकिंग द डिजीज. एंकुलाइसिस स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स लोग को जितना भी मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया हूँ वो पहले मैं सेल्फ पर कर लेता हूँ, उसके बाद किसी चीज़ दूसरे चीज़ पर मैं मतलब गाइड करता हूँ. क्योंकि इस बीमारी में इतने सब परेशान हो चुके होते हैं कि एक दूसरे पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है और साथ साथ में पैसे का बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है. डॉक्टर अबुल फैजल भी सबसे सही में जा रहे हैं. आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग वहाँ जाकर एक बार दिखाएँ ज़रूर. मेरे तो बहुत दूर है, वेस्ट बंगाल कोलकाता में मैं रहता हूँ और इतनी दूर जाना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कहीं और भी ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ. अगर उस ट्रीटमेंट से मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं ज़रूर एक वीडियो अपडेट करूँगा, क्योंकि अभी तक मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा उस ट्रीटमेंट से हुआ है. वो मतलब आउट ऑफ बॉक्स ट्रीटमेंट है. मैं आपको इससे पहले जानकारी नहीं दिया था, लेकिन ये थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ. ये कोई दवा ववा खाने का नहीं है मेरा, जो मैं जो इलाज करा रहा हूँ अभी. और जब तक मैं 100% क्योर नहीं होऊंगा मैं इसके बारे में नहीं बता सकूँगा. क्योंकि आप लोग भी करवाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ पैसे का वैल्यू क्या है हम लोगों के लिए. लेकिन अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो अबुल फैजल का चल रहा है. आप लोग से रिक्वेस्ट है जो आसपास के हैं वो वहाँ जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाइए. बहुत अच्छी एक 1000 बच्चे को एक ही दिन देखते हैं वो, उसका कुछ रूटीन है सिस्टमेटिक है. और कोशिश कीजिएगा कि आप कम खर्च में आ जाता, 650 रुपये ले रहे हैं वो 15 दिन की दवा का. और ये दवा इतना असरदार है कि अच्छे अच्छे बच्चे लोग पॉजिटिव रिजल्ट इसका आउट हो रहा है. मैं जाता, लेकिन आपको जैसा मैंने कहा मैं एक दूसरा ट्रीटमेंट ले रहा हूँ जो मतलब एक आउट ऑफ बॉक्स, मतलब कोई दवा वा उसमें नहीं है. कुछ ऐसी ट्रीटमेंट है जो मैं चाह रहा हूँ कि जब तक मैं 100% क्योर नहीं हूँ मैं नहीं बताऊँगा आप लोगों को. जब मैं होऊँगा तो मैं ज़रूर आप लोग को इसका अपडेट इन्फॉर्मेशन करूँगा. और जो जो अपना यूपी का आसपास है वो जाकर डॉक्टर फैजल को दिखाएँ, अबुल फैजल भाई को. मेरे ख्याल से और इन्फॉर्मेशन अगर आप उसके उस डॉक्टर के बारे में चाहिए तो मैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा. मैं आपको उसका एड्रेस हुआ जो लड़का ने जो फुल्ली क्योर हुआ जो सऊदी अरब चला गया फुल्ली क्योर होकर, मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा. उससे पूछताछ कर लीजिएगा कैसे उन्होंने ट्रीटमेंट वहाँ से करवाया है. बस एक हेल्प है और कुछ नहीं है. अच्छा लगे तो जाइए, नहीं अच्छा लगे तो बस कंटिन्यू रहिए. हम लोग जैसे आयुर्वेदिक से होम्योपैथी पेन किलर से सब मैनेज कर रहे हैं अपने बॉडी को. और हाँ,
हाँ, एक और मैं अपडेट करूँगा एक वीडियो जिसमें NDS के बारे में मैं बात करूँगा।